दोस्तों इंडियन मार्केट की इकलौती ट्रू मोपेड TVS XL 100 का आज मैं आप लोगों को हैवी ड्यूटी विनर एडिशन दिखाने वाला हूं, जो कि हाल ही में 2021 में आ चुका है। और दोस्तों ये एक कॉस्मेटिक अपडेट है जिसमें कि आपको कुछ नए फीचर्स, न्यू लुक्स और न्यू कलर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो विनर एडिशन आप देख रहे हो, इसकी जो प्राइस है ये अराउंड जो आई टच मॉडल है उससे लगभग 4000 रुपये ज़्यादा है। तो कोलकाता में अप्रॉक्सीमेटली आपको इसके लिए 63,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस पे करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है TNTVS दासनगर हावड़ा में, जिनके शोरूम के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो विनर एडिशन यहाँ पे देख रहे हो, इसमें आपको कॉस्मेटिक चेंजेस और अपडेट्स देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंजन वगैरह की बात करें तो सारी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसा ही है। और XL 100 एक ऐसी गाड़ी है जिसको सिर्फ यहाँ पे काम के लिए ही इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, और या फिर अगर आप कहें तो ऑर्डर सप्लाई सेल्स वगैरह के काम में, या फिर ख़राब सड़कों पर बहुत सारे सामान कैरी करने के लिए जो काम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे TVS ने बहुत सारा चेंजेस किया है, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज़ भी ऐड किया है, और XL 100 हैवी ड्यूटी का ये जो नया विनर एडिशन है ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर चेंज की बात करें तो ये नया डिलाइट ब्लू कलर आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि एक नया पेंट स्कीम है जो कि इससे पहले हम लोग XL 100 में नहीं देखा था। इसके बाद आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे मेटल की फुटबोर्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी एक अलग सा लुक इस गाड़ी को दे देता है। नेक्स्ट आप अगर आप देखें तो यहाँ पे राउंड शेप्ड क्रोम, फुल्ली क्रोम यहाँ पे मिरर्स आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि एक रेट्रो डिज़ाइन और एक रेट्रो फील यहाँ पे दे देता है। और मिरर्स की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी डिसेंट है। और यहाँ पे आपको लेग गार्ड या फिर इंजन गार्ड जो कहे ये भी आपको यहाँ पे क्रोम में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम सीट्स को देखें तो यहाँ पे बेज और टैन की ड्यूल टोन सीट्स की यूज़ किया गया है, और ये क्विल टाइप यहाँ पे या फिर डायमंड टाइप सीट की यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है। और ये दोनों ही सीट्स देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, और ये हैवी ड्यूटी वाला मॉडल है तो आप पीछे की सीट को रिमूव करके यहाँ पे सामान एक्स्ट्रा कैरी करने का प्रोविजन भी बना सकते हैं। वैसे दोस्तों TVS का क्लेम है कि 130 kg तक XL 100 की लोड कैरिंग कैपेसिटी है। अब इसकी बाद अगर हम इंजन को देखें तो इंजन बिल्कुल पहले जैसा ही आपको मिल जाएगा। इसमें एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल 99.7 cc का छोटा सा इंजन लगाया गया है, जो कि BS6 कंप्लायंट काफ़ी पहले ही हो चुका था। और इसमें ETFI यानी कि इको थ्रस्ट FI टेक्नोलॉजी आता है, और इसमें आपको कोई भी मिनिमम फ्यूल का जो लेवल है वो मेंटेन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राई टाइप फ्यूल पंप दिया गया है, तो आप काफ़ी कम फ्यूल में भी इस गाड़ी को चला पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे पावर आपको मिल जाएगा 4.3 BHP, और टॉर्क मिलेगा 6.5 Nm, 900 ml का इसमें इंजन ऑयल आता है, और सेल्फ और किक स्टार्ट यहाँ पे दोनों ही दिया गया है, जिसके कारण ये गाड़ी और भी ज़्यादा अब खास हो चुका है, ये पहले भी आता था। और इसमें आपको सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स आ गया विथ रोलर चेन ड्राइव। एक चीज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि ये जो इंजन है दोस्तों, हालांकि ये काफ़ी एक छोटी सी इंजन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कवरिंग अगर होता इंजन में या फिर एक अंडरबेली काउल होता तो और भी अच्छा होता। आई टच स्टार्ट यानी कि आपको यहाँ पे फेदर टच स्टार्ट मिलेगा, और साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म मिल जाएगा। साइड में कुछ स्टिकर्स वगैरह है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेन फुटबोर्ड है ये मेटल का है। बाकी इसके बाद अगर हम हेडलैम्प की ओर देखें तो हेडलैम्प पहले जैसा ही आपको क्रोम फिनिश्ड एक राउंड शेप्ड बल्ब टाइप हेडलैम्प आता था विथ LED DRLs, और ये LED DRLs दिन के समय पर बैटरी सेव करने में काफ़ी काम आता है। और जो लाइट वगैरह है दोस्तों, ये बेसिकली सिटी के अंदर के लिए यूज़ करने के लिए ही है। एक्स्ट्रा लाइट चाहते हैं तो आप ऑक्सिलरी लैंप्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पे कन्वेंशनल ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो कि फुल्ली फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे बल्ब आप इसके अंदर देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम ओवरऑल लाइटिंग को देखें तो लाइटिंग यहाँ पे गाड़ी की प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे डिसेंट दिया गया है। पीछे भी आपको यहाँ पे बल्ब सेटअप ही मिलेगा, कोई भी यहाँ पे LED वगैरह DRLs के सिवा आपको नहीं मिलेगा, और DRLs भी यहाँ पे काफ़ी विजिबल है। पीछे आपको आप देख लीजिए बहुत ही एक सोबर सा लुक यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम हैंडल बार वगैरह को देखें तो हैंडल बार यहाँ पे अपलिफ्टेड है। स्विच गियर की अगर बात करें तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे स्विच गियर यहाँ पे दिया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको कोई पास लाइट स्विच मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी इसमें आपको इंजन किल स्विच मिलेगा, और इतनी छोटी एक गाड़ी में इंजन किल स्विच देना बहुत ही अच्छी बात है। बीच में से आपको एक रॉड दिख जाएगा, और इसमें एक होल्डर दिया गया है, एक हुक जैसा दिया गया है, तो काफ़ी सारा सामान पैकेट वगैरह आप इसमें टांग कर ला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम मिरर्स की विजिबिलिटी देखें तो राउंड शेप मिरर्स है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे विजिबिलिटी दे देता है। और दोस्तों मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल में सारे जो नेसेसरी टेलटेल लाइट्स वगैरह वो सब आपको मिल जाएगा, यानी कि लो फ्यूल इंजन मैलफंक्शन लाइट वगैरह मिल जाएगा। एक USB चार्जिंग सॉकेट आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है,
और मेन जो यहाँ पे दोस्तों मीटर है, इसमें आपको कोई भी फ्यूल गेज नहीं दिखेगा, जो कि मुझे एक डाउनसाइड लगा है। बाकी इसमें आपको स्पीड और टोटल किलोमीटर्स और साइड इंडिकेटर्स, हाई बीम, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी टैंक को देखें तो TVS की बैजिंग और कुछ बॉडी ग्राफिक्स वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें 5 लीटर का टैंक आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पहले से बढ़ चुका है। XL100 हैवी ड्यूटी की बैजिंग आपको नीचे मिल जाएगा। आई टच स्टार्ट की भी मैकेनिज्म की जो बैजिंग है, ये भी आपको मिल जाएगा। सीट की अगर दोस्तों देखें तो सीट्स यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल है फॉर द राइडर एज वेल एज फॉर द पिलियन। हालांकि जो यहाँ पे हैवी ड्यूटी वाला मॉडल है, इसको ज़्यादातर आप सामान कैरी करने के लिए और काफ़ी सारा सामान लोड करने के लिए ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसमें इनबिल्ट एक हुक पीछे की तरफ दिया गया है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है सामान कैरी करने के हिसाब से। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर सीट हाइट को देखें तो एग्जैक्ट सीट हाइट मेरे पास अभी तक नहीं है, लेकिन कोई भी इस गाड़ी को चला पाएगा। शॉर्ट हाइटेड राइडर्स के लिए भी ये काफ़ी ठीक ठाक है। और ETFI इकोथ्रस्ट टेक्नोलॉजी की बैजिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और किक स्टार्ट भी आप देख ही सकते हैं, और आप एक अपराइट टॉल पोस्चर में इस गाड़ी को चला पाएंगे, काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों यहाँ पे आगे की तरफ टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन मिल जाएगा, और इसमें फॉर गार्ड्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर देते हैं। और पीछे आपको हैवी ड्यूटी टाइप स्विंग आर्म विथ हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल यहाँ पे दिया गया है। अराउंड 5 बार आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। सीट्स की अगर हम कुशनिंग की बात करें, लेंथ की बात करें, तो काफ़ी कुशनी है, सॉफ्ट है, और जो लेंथ है यहाँ पे पीछे एक आदमी के लिए मोर देन इनफ जगह दिया गया है। अब दोनों ही जो दोस्तों टायर से, ये स्पोक टायर से, ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो रोड प्रेशर है या फिर रोड अंडुलेशन है ये ले सके, और ज़्यादातर स्ट्रेस ये ले सके, तो यहाँ पे इसीलिए स्पोक टायर्स दिया गया है। 16 इंच के ट्यूब टाइप टायर्स आपको मिल जाएगा दोनों ही तरफ। आगे और पीछे आपको 2.5 इंचेस की यहाँ पे टायर्स देखने को मिल जाएगी। अब दोनों ही तरफ आपको 110mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, जो कि ठीक ठाक इनाफ है इस गाड़ी को रोकने के लिए। और TVS का खुद का यहाँ पे टायर्स यूज़ किया गया है, और इसमें आपको कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम की सुविधा मिल जाएगी। अब पीछे आप दोस्तों देख पाएंगे कि वही सेम टायर दिया गया है, लेकिन पीछे की जो टायर है इसकी ट्रेड पैटर्न ऑफ रोड टाइप का है, तो ख़राब सड़कों पर भी आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे मेटल की प्लेट लगाया गया है एग्जॉस्ट के ऊपर, और दोनों ही तरफ आपको काफ़ी बड़ा सा फुटरेस्ट मिलता है, जो कि सामान कैरी करने में या फिर फुट जो एक्चुअल फुटरेस्ट है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा काम आता है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों दोनों ही साइड पर आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम कर्व वेट की बात करें तो अराउंड 90 kg का इसका कर्व वेट है। टॉप स्पीड क्लोज टू 70 है अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे 60 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगा। और दोस्तों आप गाड़ी को देख कर ही समझ पाएंगे कि ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये बिल्कुल ही सिटी के हिसाब से और सिटी के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया तक चलाने का गाड़ी है। किसी भी तरह से आप इसको हाईवे पर ना ले जाए, यही मेरा सलाह रहेगा। इसमें फुल्ली DC सेटअप आता है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी आता है, और काफ़ी ज़्यादा सामान आप इसके ऊपर लोड करके एक जगह से एक और जगह कैरी कर पाएंगे, जिसके कारण मेनली इस तरह के गाड़ी बना हुआ है। और DRL के बिल्कुल नीचे आपको हॉर्न मिलेगा, हॉर्न भी काफ़ी ठीक ठाक है। और इसकी अगर हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है XL100, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, और इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह ये भी काफ़ी सस्ता रहता है। इसकी पार्ट्स जो है ये भी आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये विनर एडिशन कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए बाइक या स्कूटर के साथ। थैंक यू एंड ऑलवेज राइड सेफ।